एवरीवन, आ गई हूँ एक नई रेसिपी के साथ। तो आज मैं महंगी वाली मिल्क शेक को एकदम सस्ते में बना रही हूँ। यहाँ पर मैं ले रही हूँ 2 10-10 रुपए वाली ओरियो की बिस्किट। आप कोई भी फ्लेवर वाली ले सकते हैं, ये सब में बहुत टेस्टी बनता है, तो ये झटपट से बन जाएगा। चलिए फटाफट शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें लेना है मिक्सर ग्राइंडर जार, और इसमें इस बिस्किट को तोड़ तोड़ करके डाल लेना है। 1-2 बिस्किट आप बचा ले डेकोरेट करने के लिए, क्योंकि लास्ट में जब मिल्कशेक बन जाता है तो एक एक करके बिस्किट जो है जल्दी से डूब जाता है। तो 1-2 बिस्किट आप बचा ले और बाद बाकी जितने बिस्किट हो सबको इसमें तोड़ करके डाल दे। तो अब इसमें मैं डाल रही हूँ मिल्क। मिल्क आपको जितना चाहिए ले सकते हैं। मैं यहाँ 1 ग्लास बना रही हूँ तो उतना ही मैं मिल्क का इस्तेमाल कर रही हूँ, और इसे अच्छे से ग्राइंड कर ले रही हूँ। मिल्क और बिस्किट को ग्राइंड करने के बाद ये कुछ इस तरह का दिखेगा। पहले से ही बहुत अच्छा ये झाग वाला बन करके तैयार हो गया है। अब बस करना क्या है, 1 ग्लास लीजिए, उसमें डालिए आइस क्यूब और ये मिल्क शेक को डालिए। उसके बाद इसे फिल कर लीजिए अच्छे से और इसे डेकोरेट कर लीजिए अपने मनपसंद आइसक्रीम से, और इसे डेकोरेट कर लीजिए बिस्किट से। कुछ बिस्किट के स्प्रिंकल भी कर सकते हैं उस बिस्किट को तोड़ करके, और ये बन करके तैयार है। ये इतनी यम्मी बनी थी कि मुझे वो मार्केट वाले से भी ज़्यादा टेस्टी अपने घर वाली लग रही थी। तो आप भी इस तरह से बना सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि इस तरह की वीडियोस मैं आप सभी के साथ शेयर करती रहूं। मेरे बेटे को ये वनीला वाली आइसक्रीम के साथ ये चॉकलेट मिल्क शेक बहुत पसंद आया। ओरियो का तो मज़ा ही आ गया, लग ही नहीं रहा था कि ये बिस्किट का बना है। तो आप भी इस तरह से अपने घर पर अपने बच्चों के लिए बना के उन्हें दे सकते हैं। कुछ नया हो जाएगा उनके लिए और उनको मज़ा भी आएगा। इंस्टेंट गेस्ट आ गए हैं तो आप उन्हें भी ये पिला सकते हैं, उन्हें भी नहीं पता चलेगा कि ये बिस्किट से बना है, लेकिन इसका टेस्ट सच में बहुत ही औसम है। तो मार्केट में ये 100 से 150 के बीच में मिलती है और मैंने इसे 30-40 रुपये में बना दिया। आई होप वीडियो पसंद आई हो। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।